सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं IIMT न्यू दिल्ली, जो कि मेनली आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी एंड स्कूल ऑफ लॉ। सो ये मेनली गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है एंड ये एक एफिलिएट हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूट मेनली है। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है एंड एस्टैब्लिश हुआ है 1999 में। हर साल 1000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर एडमिशन्स लेते हैं। बात करें कोर्सेज के बारे में तो यहाँ पर आपको मेनली BBA एंड BA LLB के कोर्सेज आपको पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स के रिव्यू के बारे में, सो एक बच्चे ने बताया कि है टोटल डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि उसे इस कॉलेज को अंदर ज़्यादा इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं लगा है। देख लेते क्यों। इस बच्चे ने बताया कैंपस ओनली है वन बिल्डिंग, देर इज वन कंप्यूटर लैब एंड मूड को रूम क्लासेस आर यूजुअल, देर इज नो कैंपस प्लेसमेंट, कोई भी कैंपस प्लेसमेंट नहीं है फॉर लॉ स्टूडेंट्स। नॉट कॉलेज प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स, एंड पता है मोस्ट ऑफ द कॉलेज नहीं प्रोवाइड कर सकते इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। बहुत ही कम कॉलेज होते हैं जो ऐसे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। आई डिडंट एंजॉय एनी आउटिंग फ्रॉम कॉलेज एज अ ट्रिप और पिकनिक, इट इज़ अ प्रिटी गुड बट नॉट सो गुड कॉलेज। एंड कॉलेज और जोक, कई बच्चों ने ये भी बता रखा है कि एक कॉलेज नहीं है, जोक टाइप की लाइफ है। एज फार एज द कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर गोज, इट कवर्स लेस स्पेस देन दिस सेंटेंस, मतलब ये बहुत ज़्यादा छोटा है जैसे हम कह सकते हैं। नो कैंपस प्लेसमेंट इज देयर, कोई भी प्लेसमेंट वगैरह नहीं है। जो लाइफ है ऑफ लॉ स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा बेकार है, कंज्यूम्ड विद डायबिटीज, मतलब डायबिटीज नहीं, डिबेट्स, डिस्कशंस, मूड्स, बट एंड बट नॉट बट ऑल वी रियली हैव आर क्लासेस। मतलब कुछ भी ऐसे डिस्कशन डिबेट्स कुछ नहीं होता, बस क्लासेस क्लासेस होती रहती है। रेयरली वेन एवर दे हैव समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट इन कॉलेज, दे बेट स्टूडेंट्स इन टू बिकमिंग वॉलंटियर्स इन एक्सचेंज ऑफ सर्टिफिकेट्स, दिस कॉलेज इज जस्ट नॉट द प्लेस। इस बच्चे ने एक और बच्चे ने बताया इज दिस रियली कॉलेज, मतलब अच्छा रिव्यू नहीं है ओवरऑल आई शुड से, कि अगर आपको बिल्कुल बेकार कॉलेज या फिर बिल्कुल जिसके ना लो ग्रेडेड कॉलेज है, यू कैन गो फॉर इट। किसी का भी रिव्यू अच्छा नहीं है। जब बच्चों ने मोस्टली ये बताया होपलेस प्लेस, नो कॉलेज, बेकार कॉलेज, ऐसा कॉलेज ऐसा कॉलेज, तो अच्छा कॉलेज का रिव्यू नहीं है इसका। सो मैं तो आपको खुद ही प्रेफर कर रही हूँ कि आप ना जाओ, अगर आपको लास्ट प्रेफरेंस आपकी है, आपको जाना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर इट। जिम फैसिलिटीज़ है, लाइब्रेरी है, कैफेटेरिया है, वाईफाई फैसिलिटी है, ऑडिटोरियम है, मूड कोर्ट है। सो ये सारी फैसिलिटीज़ है एंड हर बच्चे को अपना ओपिनियन हो सकता है। सो आई विल अप्रिशिएट अगर आप अपना ओपिनियन दें, अगर आपको लगता है कॉलेज ज़्यादा चाहिए, इंस्टीट्यूट ज़्यादा अच्छा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, ताकि जो है मैं उसको आगे और ज़्यादा फॉरवर्ड कर सकूँ, जिससे बच्चों को पता चल सके कि यस, मतलब मेरी सोच ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ही गलत बताऊँ, ये कोई और ही गलत बताया, हो सकता है कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो कि इसे पसंद करते हैं। सो ये एक ऑडिटोरियम है, देन ये कैंपस व्यू है, मतलब पता है ये कॉलेज ना टाइप ऑफ आपको स्कूल ही लगेगा। देन आपके क्लासरूम्स, IT लैब, लाइब्रेरी एंड देन ये आपकी स्पोर्ट्स फैसिलिटी। ओवरऑल आई शुड से एन एवरेज और अ बिलो एवरेज कॉलेज, बट यस, इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर इट एंड यू थिंक इट्स अ गुड कॉलेज और इंस्टीट्यूट, यू कैन गो फॉर इट। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट। एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट्स में बता देना कि कैसी आपको वीडियो लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।